हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम समझेंगे वॉल क्लीन आउट के बारे में। पहले तो समझेंगे कितने प्रकार का क्लीन आउट होता है और कौन सा क्लीन आउट कहाँ पर लगाया जाता है। फ्लोर ड्रेन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब क्लीन आउट के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा बाथरूम का है, ये हमारा नीचे फ्लोर ड्रेन है और दोनों साइड जो आपको दिख रहा है वो क्लीन आउट है, ये बिडेट है। इसका नीचे में पाइपिंग हुआ है, तो जब फ्लोर का ऊपर जब पाइपिंग होता है तो उस कंडीशन में आपको वॉल क्लीनर लगाना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फुल वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार का क्लीन आउट होता है और कौन सा क्लीन आउट कहाँ लगाया जाता है और उस क्लीन आउट का कौन सा क्लीन आउट का क्या बेनिफिट होता है। आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, तो फुल वीडियो देखिए, स्किप नहीं करिए, आप लोग समझ जाएंगे कि कहाँ पे कैसे लगाना है। तो ये जो हमारा टॉयलेट है, अब ये टॉयलेट में हमारा दो वॉल क्लीनर दिया हुआ है, और ये हमारा वॉल में इसलिए दिया गया है कि हमारा फ्लोर का ऊपर में पाइपिंग हुआ है, तो वहाँ भी वॉल क्लीन आउट रहेगा। और जो हमारा सीलिंग क्लीन आउट होगा वो हमारा स्लैब के नीचे रहेगा। सीलिंग क्लीन आउट लगता है स्लैब के नीचे और वॉल क्लीन आउट लगता है हमारा दीवार में। इसका नीचे हमारा पाइपिंग हुआ है, इसका नीचे में, तो उसको सफाई करने के लिए वॉल क्लीन आउट दिया गया है। और जो फ्लोर क्लीन आउट होता है वो हमारा फ्लोर के ऊपर लगाया जाता है, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको कि कहाँ पर फ्लोर क्लीन आउट लगा है, कहाँ पर हमारा सीलिंग क्लीन आउट लगा है और कहाँ पर हमारा वॉल क्लीन आउट लगा है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा सीलिंग क्लीन आउट है, ये दोनों आपको सीलिंग में रहेगा। अब आते हैं हम टॉयलेट और फ्लोर क्लीन आउट देखते हैं, फ्लोर क्लीन आउट कहाँ पर लगाए हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं सीलिंग क्लीन आउट का। सीलिंग क्लीन आउट हमारा सीलिंग का नीचे रहता है, जो हमारा छत है वो आपको कौन सा कंडीशन में लगाया जाता है। अगर समझिए आपका फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ग्राउंड फ्लोर में रहेगा तो आपको सीलिंग क्लीन आउट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर से जैसे ऊपर जाएंगे, 2 फ्लोर 4 फ्लोर 10 फ्लोर 15 फ्लोर, तो आपको सीलिंग क्लीन आउट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर पाइप जाम हो जाएगा तो वहाँ से क्लीन आप कर सकते हैं। और ये है हमारा फ्लोर, ये हमारा टॉयलेट में ये हमारा फ्लोर ड्रेन है। अब इसका आगे हमारा फ्लोर क्लीन आउट लगा हुआ है, ये वाला हमारा ये फ्लोर क्लीन आउट लगा है। अब फ्लोर क्लीन आउट का बेनिफिट ये होता है कि आपको सीलिंग का नीचे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे सीढ़ी लगाने का झंझट रहता है या इसका फॉलिंग लगाने का, तो आप यहाँ से फ्लोर से ही आप क्लीन कर सकते हो। तो जब ये क्लीन आउट लगाएंगे आप फ्लोर क्लीन आउट, तो उसको टाइल का बराबर रखेंगे, जो टाइल है ना ये टाइल का बराबर रखेंगे, इसको बिल्कुल डाउन नहीं रखेंगे, पूरा सेम लेवल में रखेंगे। और हम लोग इसको प्लास्टिक इसलिए मार के रखा है कि इसको स्केच ना करें, इसको ख़राब न करें, इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया। इसी तरह आप लोग भी प्लास्टिक डाल के रखेंगे, जब फिनिशिंग हो जाएगा उसका बाद आप पूरा खोल के फिर दे देंगे। तो ये हमारा फ्लोर क्लीन आउट हो गया। और ये हमारा जो सीलिंग सॉरी ये हमारा वॉल क्लीन आउट जो है, ये जो नीचे हमारा अभी दिख रहे हैं आप, जो फ्लोर का ऊपर में जो हमारा पाइपिंग हो रहा है, यहाँ पर WC बीडेट का पाइपिंग हो रहा है, वेंट का पाइप लगेगा, तो ये हमारा फ्लोर का ऊपर है। तो ये लाइन आपको क्लीन करने के लिए वॉल क्लीन आउट लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाएंगे, अगर ऊपर यहाँ पे अगर जाम हो जाता है पाइप, तो आप क्लीन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वॉल क्लीन आउट दिया जाता है। ये देखिए मसाला डालने के बाद यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको, वहीं पे हमारा वॉल क्लीन आउट लगेगा। तो उसको करना क्या है, पहले स्क्वायर में कटिंग कर लेना है, अच्छा कटिंग करके इसको, फिर इसको ग्राउट से या वाइट सीमेंट हो या ब्लैक सीमेंट हो, कोई भी सीमेंट हो, आप उसको क्या करेंगे, तो अच्छा से उसको पैक कर देंगे। जब अच्छा से पैक हो जाता है तो इसको आप ऊपर से दबा के बिठा देंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है। अगर आप गैप रखते हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो स्मेल आपका बाहर आने का चांसेस रहता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट पाइप से कनेक्शन है। अगर हमारा थोड़ा सा भी गैप रहा तो स्मेल बाहर आएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्मेल कहाँ से आ रहा है, तो बाद में बहुत ढूंढना मुश्किल हो जाता रहता है।
अब कहाँ से स्मेल आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो झंझट हो जाता है। इसलिए सही से आप लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्मेल भी नहीं आएगा और ये हमें पूरा फिनिशिंग रहेगा। ये फिनिशिंग रहेगा मतलब गिरेगा नहीं, ये पूरा इसमें जाम रहेगा अच्छा से, तो ये गिरेगा नहीं। तो इसी तरह से अंदर से भी बाहर से भी पैक कर देना है इसको, और इसको पैक करके अच्छा, इसको आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग लगाया है उसी तरह से आप भी पैक करके इसको लगा सकते हैं। तो इसको सही से इसी तरह से बिल्कुल लगा लेंगे, और इसको लेवल रख के बराबर देख लेना है जो हमारा टाइल्स है, अंदर में भी अच्छा पैक रहना चाहिए, तो ये बाद में गिरेगा नहीं, पूरा टाइट रहेगा ये, और इससे स्मेल भी नहीं आएगा। और जो हमारा टाइल का लेवल है सेम लेवल में ये क्लीन आउट लगाना है, इसे डाउन नहीं रखना है, पूरा सेम लेवल रखना है इसको, और पूरा सीधा स्ट्रेट लगाना है जो देखने में पूरा फिनिशिंग रहे, देखने में भी अच्छा रहे। और इसको गैप बिल्कुल बंद कर देना है, साइड में जो गैप दिख रहा है इसको बिल्कुल हम बंद करवा दे रहे हैं, इसको बिल्कुल भी गैप नहीं रखेंगे इसको, और पूरा टाइल का लेवल में रखेंगे। तो ये हमारा टॉयलेट में ये हमारा वॉल क्लीन आउट लग रहा है, जो हमारा सीलिंग क्लीन आउट होगा वो हमारा स्लैब के नीचे रहेगा, जो छत का नीचे है वहाँ पर रहेगा, और जो हमारा फ्लोर क्लीन आउट है वो फ्लोर पर रहेगा, और जो हमारा वॉल क्लीन आउट है वॉल में रहेगा। वॉल क्लीन आउट आपको लगाया जाता है अगर डब्ल्यू सी बिडेट आ रहा है उस लाइन में, तो अगर फ्लोर का ऊपर पाइपिंग हुआ है तो वहाँ पर भी वॉल क्लीन आउट आता है, या समझिए कि एक लाइन में आपको 5-6 वॉश बेसन है, वॉश बेसन का जो ड्रेन लाइन होगा वो वॉल में रहेगा, तो उस कंडीशन में आप वॉल में भी क्लीन आउट दे सकते हैं। इसी तरह से लेवल रख के आप बराबर इसको देख लेंगे, बराबर जो वॉश बेसन का जो रहता है एक लाइन में 5-6 वॉश बेसन, आप एक ही पाइप से जब कनेक्शन करते हो, या समझिए पब्लिक टॉयलेट है, आप 6-7 टॉयलेट एक ही लाइन में लगा रहे हैं, तो उसका मेन लाइन आप एक ही दिए होंगे, उसमें से वायर लगा के आप पूरा में डब्ल्यू सी का कनेक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में आप वॉल क्लीन अप लगा सकते हैं, और लगाना ज़रूरी होता है क्लीन करने के लिए। अभी देखिए ये सूखने के बाद इस तरह है, अंदर भी अच्छा पैकिंग है और बाहर से भी अच्छा पैकिंग है, ये इसी तरह से बिल्कुल पैक कर लेना है इसको बराबर। बराबर पैक रहेगा तो सही रहेगा। और इसको इसमें एक वाशर दिया हुआ है, ये वाशर जो दिया हुआ है वो वाशर मतलब हम लोग को कहीं घूमने करना है वो सही से वाशर रखना है, यही बाथरूम है हमारा, इस बाथरूम हमारा जो वॉल क्लीन आउट लग रहा है वो यही बाथरूम है, एक डब्ल्यूसी का बेडेट के लिए पॉइंट जो आया है फ्लोर के ऊपर उसके लिए हमारा क्लीन आउट लगा हुआ है। तो इसमें जो एक जाली एक कवर है, कवर में एक वाशर आता है, ये वाला वाशर, ये वाशर इसमें चेक कर लेना है वाशर है कि नहीं है, वाशर आपको रखना है इसमें, अगर वाशर ये नहीं रखेंगे तो वहाँ से स्मेल आएगा, तो लगाने टाइम में आपको ये वाशर रखना है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक।